नालागढ़ में गौरक्षा दल एवं श्री हिंदू तख्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पंजाब के जलंधर में कन्हैया मित्तल के खिलाफ दर्ज हुए मामले को लेकर हिंदू संगठनों में रोष है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कन्हैया मित्तल ने किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे किसी भी धर्म को ठेस पहुंचे। जो मुकदमा हुआ झूठी बुनियाद पर दर्ज किया गया है, जिसको लेकर हिमाचल के नालागढ़ में अपात बैठक की गई है। बैठक में सतीश कुमार ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री सिर्फ नाम मात्र के हैं, सरकार को चलाने वाला चेहरा दिल्ली में बैठा है जो सनातन विरोधियों के एजेंडे पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सारे देश के सनातनियों से मिलकर एक महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। बैठक में कन्हैया मित्तल के पक्ष में 10,000 सनातन गिरफ्तारियां देंगे। कन्हैया मित्तल के खिलाफ दर्ज पर्चा पंजाब सरकार की आखिरी कील साबित होगी। एनस्टार न्यूज के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। सर, आज का बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है, इसके बारे विस्तार से। जय श्री राम, जय गौ माता की। आज असि हिमाचल दे सोलन डिस्ट्रिक्ट दे नालागढ़ शहर च एक श्री हिंदू तख्त अते गौरक्षा दल दी एक बैठक बुलाई है, एमरजेंसी बैठक बुलाई है, क्योंकि कल रात पंजाब दे अंदर जलंधर शहर दे विच साढ़े हिंदू सम्राट श्री कन्हैया मित्तल जी के खिलाफ 295 ए दा एक परचा दर्ज किया। सरकार ने बिल्कुल सरासर झूठा परचा, ईसाइयों के दबाव के हेठ वो परचा दर्ज होया। पंजाब के अंदर ईसाइयों ने इन्ना क तंड मचा रख्या, पिछले दिन तुसीं देखिया होना निहंग सिंघां दे परचे, सिख समाज के परचे, उन्होंने हजारां लखां लोग हिंदू सिखां नूं कन्वर्ट करके ईसाई बना रहे हैं। मशीनरी का बाहरों पैसा आ रहा, सरकार उन्होंने दबाव हेठ काम कर रही है। कल जिहड़ा कन्हैया मित्तल ते परचा होया वो बिल्कुल सरासर फेक परचा होया, क्योंकि कन्हैया मित्तल ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिता किसी समुदाय के खिलाफ। कन्हैया मित्तल ने जो समझाया अपने सनातनिया नूं, समझाया भी सनातनिया तो कोई भी प्रोग्राम कराना, कोई कीर्तन कराना, कोई हवन कराना, सनातनिया तो तुसीं कराया करो, किसी होर धर्म के लोगों तो ना कराया करो, ये असी आप दे लोगों नूं गल करी है। दूसरी गल जिहड़ी ईसाइयां ने परचा कराया, उन्होंने दोष लाया, पिछले दिन युगांडा च कन्हैया मित्तल जी गए सी, उत्थे दी प्रधानमंत्री नूं जदों मिले उन्होंने शिवजी की एक प्रतिमा उन्होंने भेंट करी, तो उन्होंने लोगों को साडे भगवान बारे, साडे देवत्या बारे कोई नॉलेज नहीं है। उन्होंने अचानक पूछ लिया भी एक किन्हां दी मूर्ति है, तो कन्हैया मित्तल ने कहा उन्होंने पिछे उन्होंने फादर की, उन्होंने गॉड की स्टैचू लगे हुए सी। तो कन्हैया मित्तल ने कहा जिस तरह ये तुहाडे फादर है, ये साडे शिव ग्रैंड फादर है, तो ये गल तो मैनू नहीं नज़र आता भी किसी की आस्था में ठेस पहुँची हो, किसी नाल उसने किसी समुदाय के खिलाफ बोलिया हो। गल नू लैके ये जिहड़ा परचा करिया सरकार नू बहुत महंगा पएगा। अज असी पूरे पंजाब के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट असी बैठक कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसा कर रहे हैं। आने वाले समय च जिहड़ा आम आदमी सरकार नू बहुत वड्डा खमियाजा भुगतना पैना, उन्हों का जो हिंदू विरोधी चेहरा पंजाब के अंदर सरदार भगवंत मान की बिल्कुल नहीं चलती, इनू चलाने वाला काल नेमी जो दिल्ली के अंदर बैठा केजरीवाल, उसका जोड़ा चेहरा जोड़ा उन्होंने एक गठबंधन बनाया, मैं तो कहना ठगबंधन बनाया, जोड़ा हिंदुत्व सनातन को खत्म करने वास्ते वह बनाया। पिछले दिन तुम देखा होना कभी कोई नेता हिंदुओं खत्म करने की गल करता, कोई उन्होंने डेंगू की बीमारी दसदा, कोई एड्स की दसदा, तो उन्होंने किसी के परचा नहीं अज तक होया। तो
कन्हैया मित्तल ने कोई ऐसी गल नहीं करी, फिर भी परचा ये जो हिंदू विरोधी चेहरा जोड़ा इन्होंने ठग बंधन का यह चेहरा सामने आ चुका, इहदा खमियाजा आने वाले समय च भुगतना पेगा। असी बहुत जल्द पंजाब दे नहीं पूरे देश दे हिंदू संगठनों की एक बैठक होन जा रही है, एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। असी नहीं कहांगे सरकार नूं तुसी ये परचा कैंसल करो, असी सरकार ते दबाव पावांगे भी तुसी कन्हैया मित्तल की रेस्ट पाओ, 10,000 सनातनी उहदे नाल रेस्ट अपनी पाऊगा। सरकार कोल जेलां च जगह नहीं बचेगी साढ़े सनातनियों बंद करने वास्ते, तो सरकार का वो जलूस कढ़ांगे। किसी भी समय यह जड़ी साढ़े नाल कारियाना हरकत की है, एक सनातनी तो जोड़ा सनातन का प्रचार कर रहा सी, परचा करके मैं तो यह कहांगा उन्होंने सरकार के कफन दे विच आखिरी किल साबित होएगा। आने वाले समय च जां तां सरकार डिगेगी जां फिर सरकार नूं झुकना पएगा, माफ़ी मंगनी पएगी, परचा वापस लेना पएगा। जय श्री राम, जय गुरु माता।